चलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखिए जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही एक और इकोनॉमिक डेवलप हुई जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को एक तरीके से ब्रॉडली एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई, जिसको कि हम पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ही लिमिटेड माना। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम केवल एक तरीके से सुरक्षा करना है, देश की रक्षा करना है और एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ गवर्नमेंट का जो रोल है वो किसी भी इकोनॉमी में लगातार इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम बात करें केंजियन इकोनॉमिस्ट की, तो केंजियन इकोनॉमिस्ट ने मंदी और से निकलने के लिए, यानी कि रिसेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट के रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देखोगे तो विश्व के हर देश में गवर्नमेंट का बहुत ही इफेक्टिव रोल है, यानी कि किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने में, या आप कह सकते हो किसी भी इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करने में गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो ये बताती है कि गवर्नमेंट कहां कहां से रेवेन्यू इकट्ठा करेगी और कहां कहां से खर्चा करेगी, जिससे कि हमारा जो गोल है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना, उसका अचीवमेंट हो सके। तो यहां पे डेफिनेशन एक बार आप चेक कर लीजिए, हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको कंसिडर करने के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसमें मजग्रेव की डेफिनेशन आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम द सेंटर अराउंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इज रेफर टू द ट्रेडिशनली एज अ पब्लिक फाइनेंस। यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की बातें हैं उसी को पब्लिक फाइनेंस की हम बात करते हैं। बच्चों पब्लिक फाइनेंस का स्कोप, यानी कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है या क्या क्या चीजें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं, एक बार वो हम ओवरव्यू जरूर कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू का या पब्लिक फाइनेंस का एक सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, सबसे पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च करती है। देखिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अलावा प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, और भी कई तरीके के एक्सपेंडिचर में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पब्लिक फाइनेंस में जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले का मतलब ऑर्डर साइज चेंज हो सकता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से इसके कैनन्स हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये तमाम चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। इसके अलावा दूसरा होता है बच्चों टैक्स, पब्लिक रेवेन्यू। अब रेवेन्यू करने के दो तरीके, एक तो टैक्सेस हो गया, दूसरा नॉन टैक्स हो गया। नॉन टैक्स भी कई तरीके के होते हैं, फीस है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो कई प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जिनके लिए वो पैसे चार्ज करती है, इसके अलावा फाइनल पेनल्टी है, गिफ्ट है, ग्रांट है, डोनेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपके पब्लिक रेवेन्यू में आ जाती हैं। इसी तरीके से टैक्सेस के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारी इनकी थ्योरीज हैं, कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। यानी कि टैक्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, टैक्स का इंसिडेंस क्या पड़ेगा, लोग करों से कैसे प्रभावित होते हैं, कर पड़ने से लोगों की काम करने पर क्या असर पड़ता है, वर्क करने पर क्या असर पड़ता है, ये तमाम चीजें आपको पब्लिक फाइनेंस के में पढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा बच्चों पब्लिक डेट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक डेट का मतलब है सरकार ने अपने लिए लोन ले लिया, सरकार की जरूरतें पूरी होती नहीं है। अब सरकार कहां कहां से लोन ले सकती है, कौन कौन से इंटरनल सोर्स है, कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्स है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी क्या प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे सरकार टैक्स लेती है, पब्लिक डेट लेती है, पब्लिक डेट को वापस करने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रेवेन्यू से रिलेटेड। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है, क्या क्या उसका इंपैक्ट हुआ है, क्या क्या उससे, मतलब गवर्नमेंट जो है उसका रोल फिस्कल पॉलिसी का क्या पड़ेगा वो आपको समझना है। इसके अलावा फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फाइनेंस कमीशन जैसे इंडिया में बनता है,
यानी कि ये सारी की सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर है। यानी कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर बेसिकली जो भी आपका कंसर्न टॉपिक रहता है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कौन कौन सी गुड्स प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कराती है, मार्केट इनएफिशियंसी क्यों प्राप्त होता है, या मार्केट इनएफिशियंसी जिस कंडीशन में होती है उसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इस सारी की सारी बातें हम अपने वीडियो के माध्यम से, हम अपने टॉपिक के माध्यम से आप बच्चों को डिटेल में समझाएंगे।